चढ़दे लेंदे पंजाब दी, रावी ते चनाब दी, बात पौंदा प्यार दी, ए है सांझा पंजाब। पंजाब सांझा पंजाब देखण जा रहे सारे दर्शकों सत श्री अकाल। पुरम तुहाडा सारयां दा निघा स्वागत। सांझा पंजाब टीवी तुसीं हफ्ते दे सत्ते दिन 24 घंटे देखते हो। सांझा पंजाब रेडियो वीकेंड ते पेश करदे आ सैटरडे वाले दिन 10 to 11, संडे वाले दिन 10 to 12 बजे तक। इस तरह ही विजन टीवी ते सांझा पंजाब हरेक सैटरडे नूं आउंदा है सवेरे 11 to 12 बजे तक टोरंटो समय अनुसार। ते अगर तुसीं सांझा पंजाब दा ऐप लोड करदे हो, जिदा SP24 दा ऐप है, ये तुसीं लोड कर लो अपने फोन दे उत्ते। SP24 दा ऐप लोड करके तुसीं सांझा पंजाब देख सकते हो, रेडियो सुन सकते हो। इस नाल नाल तुसीं गुरबाणी क्लिक करोगे तो डैक्सी गोदरा साहब तो लाइव गुरबाणी सरवण कर सकते हो। वैसे असीं सांझा पंजाब टीवी दे उत्ते हर रोज़ शाम नूं 5 बजे ते सवेर नूं 5 बजे तुहाडे वास्ते गुरबाणी पेश करदे हाँ। सांझा पंजाब टीवी दा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब जरूर करो, जिस विच 150,000 सबसक्राइबर साढ़े हो गए हैं। तो असी दुनिया भर दियां वक्खरियां वक्खरियां खबरां हर रोज़ हफ्ते के सत्ते दिन 6-7 बार ताजियां ताजियां खबरां उस विच अपलोड करते हाँ। दुनिया भर के विच की वापरदा है उसकी गलबात की जाती है। सांझा पंजाब दा स्टूडियो 2131 विलियम पार्क विखे है, यूनिट नंबर 15 दे विच, जिथे गिल स्वीट एंड समोसा फैक्ट्री है। बल गोसल साहब का ऑफिस है इतने इंश्योरेंस का, उसके बिल्कुल पिछले पासे है यूनिट नंबर 15 दे विच सांझा पंजाब टीवी का स्टूडियो। तुसी एज ए होस्ट जां तुसी अपना कोई बिजनेस प्रमोट करवाना है तो तुसी इत्थे आके विजिट कर सकते हो। नंबर है 416-419-7777-416-419-7777 416-419-7777। अज हुण इह गल हो रही है कि कल डाउनटाउन टोरंटो दे विच तुहानूं पता कि इज़राइल ते फलस्तीन दे आपस विच जिहड़ा उत्थे लड़ाई चल रही है, बंब सुट्टे जा रहे ने दोनों पासियां तों, ते फलस्तीन लोकां ने डाउनटाउन टोरंटो दे विच कल बहुत वड्डा मज़ारा कीता। हज़ारां दी तादाद दे विच लोक पहुँचे, कानून दियां धज्जियां जिथे उड़ियां, किसी ने मास्क, बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं पाई हुई सी, पर फिर भी पुलिस ने किसी नूं टेट नहीं दिती। पर इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता। एक पासे असी कहिंदे कि जो कोई होर रैली कढ़दा ब्रह्मटन दे विच तां उस नूं कारां विच वी रैली कढ़नी आ, जां किते 15-20 लोग भी खड़दे ने, जां थोड़े जिहे लोग किते जांदे ने अपना प्रोटेस्ट करन तो उन्होंने टिकटां मिलदियां ने। हुण डाउनटाउन टोरंटो दे विच कल हज़ारां दी तादाद दे विच लोग पहुँचे, पर उस दे नाल ये वायरस किन्नी स्प्रैड होएगी इसका असर अज नहीं मिलेगा तुहानूं। एक हफ्ते बाद फिर मिलेगा कि केस जिहड़े उपर जांदे ने तां फिर वह रैली का असर भी हो सकता। इस नाल नाल डाउनटाउन टोरंटो दे विच जिहड़ा है वो एक रेस्टोरेंट है किंग स्ट्रीट पर, उस दे पिछले दरवाजे विच्चों 25 लोग जिहड़े सी वह पार्टी कर रहे सी। काफ़ी जदों म्यूजिक वगैरह सुनिया तो फिर पुलिस कॉल की गई तो 25 लोगों को टिकटां दित्तियां गई ने, अराउंड 25 उन्हां लोगों को टिकटां उत्थे मिलियां ने, तां जिहड़े लोग पार्टी करते हैं। पर दूसरे पासे असीं ब्रह्मटन मिसागा की गल करिए, इत्थे भी बहुत सारे लोगों को टिकटां जिहड़ियां मिलियां ने, जिहड़े कि लोग गैदरिंग घर कर रहे हैं। पर अगे नालों केस जिहड़े घटते जा रहे हैं,
तुहानू पता ही है कि लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिता गया है 2 जून तक। हालात किहो जिहे होणगे 2 जून तो बाद वो तो पता लगेगा। जे केस घटदे ने इफ लैस दैन 1000 तां सरकार सोच सकती है कि जिहड़ा लॉकडाउन खोलिया जाए। पर चंगी गल है कि असीं सारे अपना ध्यान रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जे किसी नूं सिम्पटम हन वो अपने आप नूं एक साइड ते कर लवे, कोशिश करो चेक करा के आओ कि जे तुसीं पॉजिटिव हो तां फिर बाकियां नूं बचा सकदे हो। अणगहली नहीं करनी। एक गल नोट कर लियो भई इस नूं लाइट नहीं ना लिया जाए। इट्स ओके, नथिंग गोना हैपन, की हो जाएगा, माड़ा मोटा बुखार है। पर जो बिगड़ जाता, वंस द वायरस गो इनसाइड द लंग्स, दैन फिर कोई चारा नहीं है, फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग कई कई महीनों तो हॉस्पिटल बैठे ने, फिर इलाज नहीं है कोई भी। जो वंस यू गो टू वेंटीलेटर, फिर इलाज नहीं है कोई। जिस तरह साडा नौजवान पिछे जिसकी मौत हुई गंगा अटवाल, तुसीं सारे उन्होंने जानते हो, पिछला पिंड उन्होंने फराला है फुआड़े के बिल्कुल कोल, तो उन्होंने पिछले दिन जी मौत हुई, सारी कम्यूनिटी एकदम झोड़ के रख दिता कि एडी सेहत वाला व्यक्ति, वेरी स्ट्रोंग गाय, सच नाइस परसन, एकदम चला गया। तो ये असी चलो इदां दी परमात्मा किसी के घर मौत ना लैके आवे, पर सीखना जरूर सानू चाहिए कि इसनू लाइटली ना लिया जाए। कोई प्रॉब्लम हुंदी है तुसी राइट वे सिस्टम बड़ा वधिया है, तुसी एंबूलेंस करके हॉस्पिटल जा सकते हो, तो अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी सीरीयस। खैर इस तरह ही कैनेडियन टायर का वड्डा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है ब्रैम्पटन दे विच, उसनू भी बंद कर दिता गया है क्योंकि कोविड केसिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ब्रैम्पटन मिसिसागा दे विच बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर के उत्ते प्रॉब्लम आ रही है। ग्रोसरी स्टोर जिहड़े ने उत्ते काफ़ी कोविड के केस जिहड़े आ रहे हैं, इस करके जिहड़ा है वह कोविड केस जिहड़े ने वह ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पर फिर भी कई बार देखने को मिलता कि असी फिर भी हटते नहीं है। बहुत सारे प्लाजा में तुम चले जाओ, वेस्टवर्ड मॉल चल जाओ, शैडन कॉलेज के कोल प्लाजा है उत्थे चल जाओ, रात को पूरी गहमा गहमी है, शाम को पूरी कारा कोई ऐनू जा रही ऐनू जा रही, दस दस की ढाणी बना के असी खड़े हैं। वो भी सोचना चाहिए कि तुहाडे नाल जिहड़ा व्यक्ति खड़ा कि वह तंदुरुस्त है, कितने मैनू उहदे तो वायरस तो नहीं हो जाएगी। ये गल्लां जिहड़ियां बहुत ध्यान रखण वालियां, जदों थोड़ी बहुती प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होंदी है। कल एक 24 साल के लड़के की जिहड़ी मौत हुई है, उसकी हुण बॉडी इंडिया भेजी जाएगी। माँ बाप ने तुहानूं पढ़न वास्ते भेजा है, पर किन्ना मुश्किल हुंदा है। बाकी तो वाहिगुरु जाणदा, रब जाणदा कित्थे किसे दा की हिसाब किताब है, कोई पता नहीं कल की होना है। जिथे जिथे बंदे दा लिखिया होया ना वो उस तरह होना ही है। पर फिर भी असी तो ये एक बेनती कर सकते सारयां नूं कि तुसीं अपना ध्यान जिहड़ा है वह जरूर रखो, ता कि असी इस औखे समय दे विच्चों हौली हौली लंघ जाएंगे। क्योंकि बहुत जरूरी है, मास्क पा के रखो जिथे भी जाना, हाथ धोवो जदों कितें जाते हो, किसी नूं हाथ मिला के ना मिलो, तो आप ही हौली हौली सब ठीक हो जाएगा। अगर तुसी मैट्रो ग्रोसरी स्टोर में जाते हो तो उत्थे जा के तुसी मशरूम नहीं खरीदनी, क्योंकि उन्हां दी मशरूम नूं कोई प्रॉब्लम आई है। मशरूम तुसी खरीदोगे तो वो कहा जा रहा है कि वह रीकॉल है उन्हां दी। तो मैट्रो स्टोर या होर किसी स्टोर में भी तुसी जाते हो, क्योंकि सप्लायर तो सेम ही होंदे ने, तो फिर भी तुसी थोड़े दिन एक दो दिन अटक के लै सकते हो। मशरूम जिहड़ी उन्हां दी प्रॉब्लम आ रही है। बहुत ही छेती लैके जावांगे तुहानूं चंडीगढ़ पेश करा खबरां। तुहाडे कोल कोई भी खबर है, कोई भी खबर तुसीं सांझी करनी चाहुंदे हो तां तुसीं स्टूडियो विच कॉल कर सकदे 9054584444 9054584447 9054584444 ते तुसीं कॉल कर सकदे हो। अगे जा के कुछ खबरां तुहाडे नाल असीं होर भी सांझियां करांगे, जुड़े रहना इस तरह पूरम सांझा पंजाब दे नाल। स्वीट महल दे सहयोग दे नाल अज दा पूरम तुसीं देख रहे हो 680 एक्सल ते 416 6 79 99 99 Sky Immigration। तुहाडा कोई भी इमीग्रेशन का मसला है
तो अमरदीप ते रवि का फोन नंबर 6472970968, स्टीवन फर्नीचर 905-790-0560, मॉर्गेज कैंक तो परमजीत 416-804-2015, JKN फ्लोरिंग तो कमल जी कहते हैं कि साडा काम तुसी देखो कीता होया ते फिर साडी क्वालिटी ते प्राइस नू कोई भी बीट नहीं कर सकता। कमल का नंबर फ्री एस्टीमेट ले 6472-546-8512-647-546-8512। अपने घर से तुसी ढेर वगैरह सटाउणा है तो सनी लैंडस्केपिंग दे सनी का नंबर है 416-587-0555। गिल स्वीट एंड समोसा फैक्ट्री 2131 बिलियम पार्कवे ते एक प्योर वैजीटेरियन स्वीट एंड समोसा फैक्ट्री है ब्रैम्पटन च 905-799-2616 ते तुसी कॉल कर सकदे हो। अपने घर नूं तुसी एक साल दे विच एक बारी डक्ट क्लीनिंग जरूर कराया करो। नंबर है 416-727-2502 416-727-2502 ते कॉल कर सकदे हो। इस तरह ही न्यूमलिन टायर सेंटर जिन्हें 18 लोकेशन ने अक्रॉस कैनेडा दे विच तुसी कॉल कर सकते हो 905-452-0111 ते कॉल कर सकते हो। डेक्सी गोदरा साहब विखे वैक्सीन हुण नहीं लग रही, इस करके मैं हुण फेसबुक ते भी लाइव गया सी पहला दसण वास्ते कि कुछ लोग जिहड़े जाके लाइन दे विच उत्थे खड़ गए सवेरे। 16 तरीक लास्ट डेट सी, 5000 डोजेज ओंटारियो खालसा दरबार नूं मिले सन। पिछले दिन ही काफ़ी ओंटारियो खालसा दरबार विखे जी अपॉइंटमेंट सी कैंसल होने करके इस नूं वाक इन क्लीनिक बना दिता गया सी। बहुत सारे लोगों नूं अपॉइंटमेंट की लोड़ नहीं सी, वो वाक इन जाके अपनी फाइजर डोज लगवा सकते सन, पर अज नहीं है। अज तुसी किसे ने नहीं जाना, जिन्ना देर उत्थों कोई अपडेट नहीं आउंदी कि नवें डोजेज आने दिनों च वैक्सीन उन्होंने मिलेगी, जे मिलेगी तो फिर अनाउंसमेंट की जाएगी। पर इंटरनेशनल सेंटर जिहड़ा है डेहरी एयरपोर्ट से उत्थे रात दे लेट नाइट तक 12-1 बजे तक उत्थे वैक्सीन तुसी लगवा सकते हो। किते भी तुसी ओंटारियो च रहिंदे हो डजन मैटर, कोई पोस्टल कोड नहीं है, 18+ हो तो तुसी अपनी अपॉइंटमेंट बना के अपने आप नूं वैक्सीन लगवाओ, क्योंकि हुण दो ही वैक्सीन लग रही ने, एक फाइजर है एक मैडरोना है। सो किते पुछण दी लोड़ नहीं है कि केड़ी वैक्सीन लगनी है, दो ही, क्योंकि एस्ट्राजेनिक जिहड़ी ओंटारियो च बंद कर दित्ती गई है वो नहीं लग रही। पर फिर भी जे नहीं लग रही तो जे एस्ट्राजेनिक जिहड़ी, मेरा अपना कहना है भी जे इंडिया दे विच बहुत लोड है, जे तुसी इत्थे नहीं वरत रहे, वेस्ट जाण नाल बैटर है कि इंडिया भेज दित्ती जावे, तां कि भावें तुहानूं उसकी पेमेंट तुसी कीती है नहीं मिलदी जां नहीं मिलदी, पर उत्थे लोकां दा भला तां हो जाएगा ना, क्योंकि उत्थे वैक्सीन की बहुत शॉर्टेज है। तो दे शुड सेंड बैक, सो वापस भेजी जा सकती है जां किसी ना होर किसी जिस मुल्क दे विच लोड़ है, इंग्लैंड वर्गे मुल्क इधर अमेरिका दे विच एस्ट्राजेनिक जिहड़ी है आम लोगों नूं लग रही है, जिते लग रही है उत्थे भेजी जा सकती है। सो हो सकता है एक्सपायरी डेट होवे, यू नेवर नो, सो इस करके मे बी नहीं लग रही। सो तुसी इसकी उड़ीक करो कि डेक्सी गोदरा साहब विखे आने दिनों दे विच जे डोजेस होर मिलते हैं तो फिर असी तुहानूं सांझा पंजाब ते आके दस दांगे। बाकी भी वक्रे वक्रे रेडियो प्रोग्राम चलते हैं, उन्होंने उत्ते भी तुहाडे नाल जानकारी सांझी की जाएगी। नंबर स्टूडियो 905-458-4444 मौसम बड़ा वधिया है, अपने बैकयार्ड दे विच कुछ ना कुछ बूटे वगैरह लाओ, क्योंकि घर बैठ के भी की करना, फिर तो बूटे वगैरह लाओ, घर की सब्जी होएगी, ऑरगैनिक सब्जी खाओ। इस साल लगता है कि एप्पल बड़े लगनगे, क्योंकि पिछले साल उन्हें फुल नहीं लगे सी, जिन्हें फुल होने लगे ने। वैसे एप्पल आते ने सितंबर महीने के लगते हैं, फिर तुम उसे अनाउंस करके दस देंगे जो एप्पल लग गए तो फिर तुम लैके जा सकते। पिछले साल नहीं लगे पर एक्टिव लगता है जिस हिसाब फुल लगे ने, मैं कल फुलों की फोटो ही पाऊँगा तो एप्पल मैं लगता काफ़ी लगन गए एक्टिव। खैर बाकी तो जो मालिक का हुक्म है उही होना। मौसम बड़ा वधिया है, कोशिश करो कि जिन्ना क भी तुहाडे कोल जगह है उत्थे कुछ ना कुछ सब्जियां जरूर लाइया जाण, ताकि शाम में तुसी पानी लाओ, सवेर में पानी लाओ, मन थोड़े होर पासे हुंदा, नहीं तो बंदा सोच ही जांदा पता नहीं की होना। खैर नथिंग गोना हैपन, सेहत है तो सब कुछ है, सेहत ठीक नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। एक सेहत है, दूसरा परिवार है, दो गल्लां
नोट कर लो अपनिया। कई बारी मैनू कॉल आउंदी है कि घर दे विच रहण दे नाल बड़ियां प्रॉब्लम हो जांदियां, कट्ठे रहना ही मुश्किल है, तो फिर लड़ाई झगड़े एक दूजे की गल सुननी, एक चुप ते सौ सुख वाली गल पल्ले बन लो तो आप ही सब ठीक हो जाएगा, समा लंघ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। पर फिर भी एक जरूरी गल है कि तुसी जे कोई गलबात हुंदी है तो इग्नोर करो, इग्नोर करोगे तो फिर चंगे रहोगे, नहीं तो बहुत सारे लोगों दी प्रॉब्लम जड़ियां ने वो फिर घरों बाहर चला जांदियां, बाहर जाके फिर ताणी उस जी कट्ठी होनी बड़ी मुश्किल है। खैर एक ब्रेक लै लीए, ब्रेक तो बाद कुछ गल्लां पता तुहाडे नाल होर करांगे। तुसीं कोई भी गल करनी चाहुंदे हो 9054584444 905-4554-4447 9054584444 सेहत ठीक रखनी है तो बलवीर कौर लेल नूं कॉल करो, अपना भार घटाउणा है नैचुरल तरीके नाल अपना भार घटा सकदे 416-602-7479 416-602-7479 ते कॉल कर सकदे। ब्रेक लै लीए, ब्रेक तो बाद वापस आउंदे आ, जुड़े रहना इसे तरह प्रोग्राम सांझा पंजाब दे नाल। सांझा पंजाब टीवी प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों राणू कंग वालों प्यार सत्कार भरी सत श्री अकाल। मैं अपन सारिया भैनों का बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आके राणू बुटीक के उत्ते शॉपिंग की। मैं अपन भैनों को दसना चाहनी हाँ कि इस हफ्ते भी साढ़े को नवी शेमेंट पहुँच गई है। जिहड़ियां भैन हाले तक राणू बुटीक के उत्ते नहीं आईया, मेरा उन्होंने यही कहना कि एक बार आके तुम राणू बुटीक की कलैक्शन जरूर वेखो। किसी भी भैन ने अपने मनपसंद का सूट अपने मनपसंद के कलर डिजाइन भी तैयार करवाना हो असी वह भी तैयार करवा के दे सकते हाँ, क्योंकि साढ़े को अपनी बुटीक है, अपने कारीगर तो अपने ही टेलर हैं। एक चक्कर जरूर राणू बुटीक के उत्ते लगाओ, मैं थोड़े ना वादा करती हाँ कि थोड़ी कलैक्शन राणू बुटीक से जरूर पूरी होगी। ਸਦਾਗਰ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਿਸ਼ਸ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜਵਾਬ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੋਸਾ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਠਾਈਆਂ ਓਨਲੀ ਐਟ ਗਿਲਸ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ। ਵੀ ਆਲਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਫॉर ਵੈਡਿੰਗਸ, ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਹੋਲਸੇਲ। Please visit us, Gill Sweet Factory, 2131 Williams Parkway, intersection Airport and Williams Parkway. Gill Sweet Factory, samosa, sweets and more. Director of Sky Immigration Consultancy Services. If you have Canadian immigration vaste kise bhi services di lod hai to please saade office number te contact karo. ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 416-674-0009। ਯਮ ਹੈ ਹਮ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਯਮਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ? ਮੈਂ ਸਮੋਸਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਓ ਜਾ ਛੜਨੇ, ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਸਮੋਸਾ? ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਯਮਰਾਜ ਜੀ, ਨਾਨ ਵੈਜ ਫਲੇਵਰਡ ਸਮੋਸਾ ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਦਾ, ਵਿਦ ਵੱਖਰੀ ਚਟਨੀ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਦ। ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ, ਕਾਲ 416-679-9991 416-679-9191। ਪੀਜ਼ਾ ਡਿੱਪੂ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਲੈਕਸ ਪੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਡ ਏ। ਬਈ ਵਾਹ ਕਿਆ ਸਵਾਦ ਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। You have Pizza Tipu, pizza with unforgettable taste. यम है हम, तेरा समय खत्म होया, चल मेरे नाल। यमराज जी मेरी आखरी इच्छा पूरी कर दियो। की है तेरी आखरी इच्छा? मैं समोसा खाना चाहती हूँ। ओ जा छड़ने, आखरी टाइम पे मंगिया भी की आलू वाला समोसा? आलू वाला नहीं यमराज जी, नॉन वेज फ्लेवर्ड समोसा स्वीट महल दा, विद वक्री चटनी ते वक्रा स्वाद। स्वीट महल, कॉल 416-679-9991 ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣੋ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਸੂਟ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਕਲਰ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10 ਤੋਂ
साडे सिटी कौंसलर हकीरत सिंह जदों भी इन्हां नूं असीं बेनती करदे हां तो उस वेले हाजिर हो जांदे ने, असीं बहुत धन्नवाद करदे हां। कुछ गल्लां बातां करांगे जिस शहर विच असीं रहिंदे हां इत्थे दे की हालात ने। हकीरत जी सांझा पंजाब जी आयां नूं सति श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। थैंक यू तुहानूं ते सारे सुनण वाले ते देखण वाले दर्शकां नूं ते श्रोतियां नूं प्यार भरी सति श्री अकाल। सति श्री अकाल। ते लॉकडाउन जिहड़ा बढ़ा दिता गया जून सैकंड तक, तुसीं की कहना चाहुंदे हो इहदे बारे की जून सैकंड तों बाद कुछ ढिल मिल सकती है? इट्स टफ टू से, पर ऐसा जरूर हम सानू पता प्रीमियर फोर्ड जिहड़े आ ओह चाहुंदे आ कि जिहड़ी समर जुलाई ते अगस्त दी ओह नॉर्मल होवे जिन्नी हो सकदी आ। तो जून दे विच सानू हाले भी सेल सैक्रिफाइस करना पौगा करके हाले पौद्यां दे दूजा टीका नहीं लग्या। बट हैविंग सैड दैट जिहड़ा जुलाई एंड अगस्त आपां आस रखदे आ ओह साडे रेजिडेंट्स लई थोड़ा जिहा सौखा रहूगा फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। सो इस दे नाल नाल जिहड़ी गैदरिंग हो रही है ना ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਹਜੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਲੁੱਕ ਛਿਪ ਕੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਾਰ ਦੇ ਬੈਕਡੋਰ ਤੋਂ ਲੋਕ 25 ਲੋਕ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਲੁੱਕ ਛਿਪ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਈਵਨ ਦੋ ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ ਇਨ ਦ ਨੰਬਰਸ, ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਇਟ ਸਟਿਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਿਲ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸੇਫ ਰਹੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਾਰੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਸਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀਏ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਟਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਸਿਸ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ ਸਾਰੇ ਬੱਸਿਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ, ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਆ ਇਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲੀ ਐਂਡ ਫੈਡਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਆ MPs ਆ MPPs ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਰੀਲੀ ਵੈਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫੈਡਐਕਸ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਕੇਜ ਰੱਖਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਅ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਆਰ ਬੈਸਟ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੈਂਗਸ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਐਂਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਅ ਬਿਗ ਰਿਸਕ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਵਿਜੀਲੈਂਟ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖਬਰ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਸੋਂ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਯਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਟਲ ਬੀ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ ਐਂਡ ਇਟਲ ਬੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਫਰਮ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਅ ਸਮਾਲ ਫਰਮ ਦੈਟ ਵਿਲ ਡੂ ਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਵਿਲ ਮੇਕ ਦ ਬੈਸਟ ਡਿਸੀਜਨ ਫਾਰ ਦ ਸਿਟੀ ਪੋਸੀਬਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਬਟ ਦ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਸ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਵੇ ਟੂ ਸਟੇ ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥੀ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਆ ਥਰੂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਆਲ ਡੂ ਆਰ ਬੈਸਟ, ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਸਮਰ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬੂਟੇ ਲਾਤੇ ਕੱਲ ਆਲਰੇਡੀ। I'm happy to hear. It's environmentally be bomb but yeah on that, right? So I'm happy you're doing your part of Papa. Yeah, I hope everybody else does as well. So how's your daughter?
She's good. She's good. She was on my arms. And, you know, right now, Bisa come eating, sleeping, and going to the washroom. So, diaper change, you know, I think I've become a professional. You have to learn everything. Thank you so much for your time. Thank you. Always a pleasure, Papa. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal, son. ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6472098000 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 647-209-8000 'ਤੇ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵੀਟ ਮਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾ, ਸਵੀਟ ਮਾਲ 680-6-4969-99-4096799-99-9999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ 2017 ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਡੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਾਇਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੁੱਡ ਬੀ ਕਮ ਡਾਊਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਗੁਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਚਰੂਨੀ ਹੁਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਖਬਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ 9054584044905-458-44-44 ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਕੋਸਕੋ 3ਵੀਂ ਐਨਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲੈਕਟ ਦਿਸ ਲਿੰਕ, ਡੂ ਨੋਟ ਕਲਿੰਕ ਕਲੈਕਟ ਐਨੀ ਲਿੰਕ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਸਟੀਲ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਕੋਸਕੋ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਨੈਵਰ ਸੈਂਡ ਯੂ ਐਨੀ ਮੈਸੇਜ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਫਰਾਡ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਡਰਾਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਰੋਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ CRA ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਨੋਟ ਈਵਨ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ 3 ਲੜਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ $10,000 CRA ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਪਟਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ $10,000 ਡਰੋਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਡਰੋਪ ਕਰਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 3 ਲੜਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ $10,000 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆਹ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਊਂ, ਕਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਊਂ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਦਊਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਅੰਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਖਬਰ। ਸਾਥੀਓ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਾਥੀਓ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਮ ਲਗਾਏ ਹੈ,
और एक कड़ा कदम उठाया, प्रदर्शन किया है। आप सभी के धन्यवादी हैं कि आपने एकदम से एक्शन लिया। और यहाँ पे भी हमने हिसार में आईजी के घर का घेराव किया हुआ था, लेकिन अब वो मामला निपट गया है। अब हमारे 85 जो किसान भाई और हमारी बहनें जेल में थे, सॉरी गिरफ्तार थे, उनको छोड़ दिया गया है। और जितने व्हीकल पकड़े हुए थे उनको छोड़ दिया गया है। और आज यहाँ पे मामला निपट गया है। अब जो कल का प्रोग्राम था सभी पुलिस थानों के घेराव का, वो प्रोग्राम रद्द कर दिया गया है। तो अब कल आपने किसी थाने का घेराव नहीं करना है, और आगे इसी तरह से हमारे प्रदर्शन जारी रहेंगे। जहाँ भी ये नेता आएंगे वहीं पे हमने इस तरह से प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करते रहना है, लेकिन शांतिपूर्वक। हमने कहीं किसी पुलिस वाले पे हाथ नहीं उठाना, कहीं किसी पे ऐसा नहीं करना कि हमारे ऊपर कोई उड़म्बा आए कि ये काम किसान संगठनों ने गलत कर दिया है, हमने कोई जियाती कर दी है। ऐसा उलाना किसी प्रदर्शन में नहीं आना चाहिए। हमने जहाँ भी प्रोग्राम करना है वहाँ बिल्कुल शांति से, ढंग से प्रदर्शन करना है। और आपने जो आज के लिए काम किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जैसे आप काम कर रहे हो सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल का प्रोग्राम रद्द कर दिया गया, धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, आपने जो हमारे एक वीडियो के ऊपर आज जगह जगह जाम लगाए हैं और एक कड़ा कदम उठाया, प्रदर्शन किया है, आप सभी के धन्यवादी हैं कि आपने एकदम से एक्शन लिया। और यहाँ पे भी हमने हिसार में आईजी के घर का घेराव किया हुआ था, लेकिन अब वो मामला निपट गया है। अब हमारे 85 जो किसान भाई और हमारी बहनें जेल में थे, सॉरी गिरफ्तार थे। लैके जाते हैं चंडीगढ़ पेश करते खबरें, खबरें तो वास्तव लैके आते हैं स्वीट मल 416-687 कानवे। इस तरह स्टीवन फ्रीचर 905-790-0560, गिल्स बीट एंड समोसा फैक्ट्री 131 बिलियन पार्क होते 905-799-2616, स्काई इमिग्रेशन तो अमरदीप 6472970968, न्यू मिलिट टेस्ट सेंटर 905-452-0111, टीम दसांझ और राम पवार के सहयोग के नाल पेश करते खबर। दसांझ साहब जी हम सत श्रीकाल, गुड मॉर्निंग। ਸਾਹ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਤਕਰੀਬਨ 400,000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ
टेस्ट हो रहे ने कि उन्होंने गिनती घट तो नहीं है केसेज ही घट आए ने? देखो तुम्हें तो पता लग रहा है कि जिदा असं जिक्र करते हैं कि जिमें जिमें टेस्टिंग जी वही है तो पेशेंट भी वे टेस्टिंग लाजमी तौर के उत्ते घटाई गई है। शायद सरकार कुछ इस पक्ष से सोचने लग पी है कि टेस्ट जोड़े किए जा थोड़े जे ज्यादा जिसे ट्रबल है उसे किए जा उसे किए जाने चाहिए। इस करके जो टेस्टिंग घट गई है तो पेशेंट भी घट गए लाजमी तौर पर, पर नाल दी नाल जिहड़ा मौतां दी तादाद है वो 4000 तो उपर चल रही है। इहदा मतलब है कि पेशेंट जिहड़े घटदे दिखाई दे रहे हैं वो इस करके घटदे दिखाई दे रहे हैं कि टेस्टिंग जिहड़ी है उस लैवल ते नहीं हो रही। 20-20 लाख टेस्ट होने लग पे सी, हुण घट के 12 लाख तक के टेस्ट आ गए हैं। पर मौतां दी गिनती 4000 तो ज्यादा का मतलब है कि जो पुराने पेशेंट है जिहड़े मर रहे ने ये लोग, ये नहीं कि जिहड़े अज कोरोना पॉजिटिव आ गए इन्हां ते कोई लोग मर गए, वो तो अज पॉजिटिव आए हैं ना, जिन्हों की जान जा रही है ये पुराने पेशेंट ने। सो पुराने पेशेंट जो बहुत ही ज्यादा रोही बनी हुई है 4000 के करीब जी मूव करने जा रही है, तो इस करके थोड़ी चिंता तो लाजमी तौर पर है। हाले चलो सारे कुछ के बावजूद जो कुछ साढ़े सूबा बिल्कुल दिखाया या दिखा रहा है वह ज्यादा डरावना है। अज साड़ी गल हो रही थी किसी मित्र के नाल से, उन्होंने यही गल हो रही थी कि साढ़े वर्ग के जो लोग है अभी तो चलो सप लड़ गया, कई बार यह नहीं होंगे सप जहरीला भी नहीं होंगे,
दुनिया भर के जिन्हें भी सप्त है ना वो भी जिदा आप डेथ रेट की गल करते कोरोना की उस भी 98% जो सप्त है जैनिंग के नहीं है 98% जो सप्त है मिट्टी खाने ही है पर वो मिट्टी खाना सप्त भी जो कहीं दर्द में ना जहर तो उसे होता नहीं बंदा डर नहीं मर जाता है मेरे सप्प लड़ गया ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡੰਗ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਲੋ ਘਟਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ बहुत सारिया मौतां जिहड़ी मेरी जानकारी है वो भावे मौतां रिपोर्ट हो रही कोरोना करके पर कुछ होर कारण करके भी लोग मर रहे हैं पर क्योंकि जिदा मैं अगे भी दसदा हुंदा रियालिटी यही है कि जिहड़ा भी कोई किसी भी तरीके का मरदा आ उहदी मौत का कारण जिहड़ा आ हो सकता कैंसर होवे जां उहदे मौत का कारण कोई किडनी फेलियर होवे क्योंकि उहदा कोरोना पॉजिटिव आया हुंदा ते फिर उह कोरोना दे अकाउंट च पा दिंदे आ दूजी गल है कि जिहड़ा मरीज चाहे उह दिल का मरीज होवे जां किसी होर बीमारी का मरीज होवे वो शायद 5-10 साल होर कर गए जो इदा के मरीज को कोरोना पॉजिटिव कह देंगे दोरा टेस्ट किया तेरा तो भाई कोरोना पॉजिटिव आ गया धड़कन जाए लगता मैं तो हम गया क्योंकि डर खौफ बहुत पाता कि जिन कोरोना हो गया गया दूसरी गल रिश्ते नाते सारा से जेड आया इन्हें तोड़ के रख लेता इदा की प्लानिंग की है समाज के मतलब जिड़िया वंडिया नहीं सी पिंडा परिवार वंडिया भी इस बीमारी के बहाने पा दी गई बंदा कला जहा कर दिता गया तो कला बंदे जो हो गया पहले ही उन्होंने जो लगता है कि है मैं कोरोना हो गया तो पहला चार बीमारिया ना पहले ही कितने ना कि लड़ रहा हों ब्लड मतलब शुगर भी होंगी है उन्होंने ब्लड प्रैशर हाइपर टेंशन का भी मरीज हों कि किडनी कुंडली की भी प्रॉब्लम होंगी है तो सारिया चीजा जीडिया कट्ठिया होकर जो कोरोना पॉजिटिव का पता लगता है तो उसकी टोटल बॉडी जी कोलैप्स कर देती डिग जाता बंदा बेचारा सो यह है एक कारण मौत का नहीं तो बाकी जेड़े जेड़े कारण करके मौत होंगी वो तो किसी रिपोर्ट ही नहीं हो रही अच्छ किसी रिपोर्ट हो रही है भी जिदा अपने बठिंडे वाली कैंसल ट्रेन जाती होंगी सी कोई जिक्र करता भी कैंसल ट्रेन हो भी जाती है इन्ना ज्यादा बालवी के कैंसल का जी मार रही है हम कितने है कैंसल के मरीज जे रोज मरते कितने गए कि वो मरदों हट गए जिल के दौरे का लोग मरदों हट गए ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਬਦੇ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਰਦੋਂ ਹਟ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਹ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ MLA ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੈਸਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨੀ ਛੱਡਿਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਰਹੇ 15 ਸਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਰਿਹਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਪਤਾਨ ਇਕੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਪਤਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਧਮਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣੋ ਕੀ ਵਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
रात 11 बजे कैप्टन संदीप सिद्धू प्रगट सिंह नूं फोन करके कहते आ प्रगट सिंह मैं भाई तेनू देना एक पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का मैसेज ट्रबल क्या भी है कैप्टन अमरिंदर का रात 11 बजे की मैसेज आ गया कहते दसो कहना कैप्टन अमरिंदर यह कहते हैं भी प्रगट सिंह नूं कहो कि तेरिया सारिया फाइलां तैयार कर लिया हुण तेनू ठोकना है यह लफ्ज वरते है अच्छा प्रगट सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दसिया कहते मैनू यकीन नहीं आया मैं फिर पूछा भी कैप्टन अमरिंदर होना भी यह गल कही उन्होंने कहा हां यस मैंने मैं दूजी बारी पूछा तीजी बारी पूछा मैंने यकीन नहीं थी कि कैप्टन अमरिंदर जो पंजाब के मुख्यमंत्री है मैच्योर लीडर है वह भी ऐसा की भाषा च मैं धमकी दे सकते हैं मेरा कसूर की है कसूर तो यही है भी जे मैं कह सकता भी बरगाड़ी का इशू आ जैबल कलां जूरा गोली कांड है उन्हें दोषियों क्यों नहीं हाले तक किसी पास लाया गया सजा क्यों नहीं दी गई कसूर तो यही है कि मैं कह सकता कि तुम्हें जरा माइनिंग के मामले से माइनिंग माफिया इतने तुरया करता जंगलात माफिया है तो बहुत सारे होर जो इदा केस है कि एक बड़ी करप्शन हुई है सरकार इधर क्यों नहीं ध्यान दी गई फिर मैं ओपनली भी नहीं कह मैं तो पार्टी मीट में कहता रहा फिर उन्हें फिर मैं कहते चिट्ठी लिखी ऐसा गुनाह हो गया भी मैनू किसी धमकिया दे लो फिर प्रगट सिंह लग्या भी मैं रेडी है ये भाषा से कहते मैं सुनेहा मिलिया मैं उन्होंने कहा भी मेरा सुनेहा भी फिर कैप्टन अमरिंदर को पहुंचा दो उसे भाषा च कहते मैं सुनेहा देता भी ठीक है मैं रेडी है जिथे जिम्मे जो करना कर दो सो बड़ा वाला मामला खड़ा हो गया है ये तो बाद कोई जवाब या रिएक्शन या प्रतिक्रम जोड़ा ना कैप्टन अमरिंदर का आया ना उन्होंने पोलीटिकल एडवाइजर का आया कैप्टन संदीप सिद्धू का तो इन भी जो कांग्रेस पार्टी के नवजोत सिंह सिद्धू वाला इशू आ वो से भी नवी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है नवजोत सिंह सिद्धू नवजोत कौर सिद्धू उन्होंने फाइलों खोलिया जा रही विजिलेंस वालों ईवन अपने ही कैबिनेट मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी की भी ढाई साल पुरानी फाइल खोल ली महिला कमीशन के कोल एक शिकायत थी चन्नी के खिलाफ ढाई साल पहला एक औरत आईएएस अफसर जी है उन्हें कहा कि मेरे साथ छेड़खानी की है चंदी चन्नी चन्नी और उदो गल दब दी गई जो चंदी चन्नी जरा मुकल होया उन्हें सरकार ने क्या बेअदबी कांड के इशू के उत्ते वक्री मीटिंग भी कर ली अपने घरों ने 10-12 एमएलए लैके तो वो फाइल भी खोलती यानी जेड़ा भी कोई बोलता उन्होंने फिर वो खिलाफ फाइलों खोलिया जा रही बीजेपी वालों बनाइया जा रही विजिलेंस के पैसे यूज किया जा रहा इसके अलावा कोई कांग्रेस पार्टी का भला नहीं होना कैप्टन अमरिंदर का भला नहीं होना पार्टी के अंदर बगावत होर तेज हो सकती है आने वाला समा जोड़ा है कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर ने काफी चुनौतियों वाला होने वाला किसान अंदोलन की कि अपडेट है पता लगा कि 26 तरीक नू किसान अंदोलन कोई नवा प्रोग्राम लिखा जा सकता है परमेश्वर राज्यवाल भी बोल रहे थी कि किसान मोर्चे दे पेज तो संबोधन हो रहे थी उसको पहला कल भी मीटिंग हुई परसों भी 26 मई नू 6 महीने हो जाने हैं दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे किसान दल 26 मई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल पूरे हो जाने हैं भारत के एज ए प्राइम मिनिस्टर तो सरकार बोलनी नहीं डायलॉग के द्वारा आनी नहीं तो सरकार को मजबूत किया जाए गल सुन वास्ते इस करके देश भर के 26 मई ने सद्दा दिता किसान लीडरशिप ने तो देश भर के जिथे तुम जिथे भी कितने चाहे तुम अपने घर चो चाहे सड़क से चले जाते हो अपने को मोटरसाइकिल है कोई गड्डी है कोई वाहन है साइकिल है भावे या घर चो घर भी जिथे जिथे भी हो उसे काले झंडे ला के इस सरकार के खिलाफ अपना रोस प्रगट करो तो यह असर मतलब विदेशों च भी होगा विदेशों में भी जेडे खास तौर पर भारतीय भाईचारे के लोग है जेडे इस किसान अंदोलन के हक चाहे विशेष तौर पर पंजाबी भाईचारे के लोग जेडे है तो वे पद्धर से 26 मई के सरोत दिवस के अपना रोस शामिल करे वो भी झंडे काले ला के जरा रोस शामिल हो गए दूसरा कह गया कि उसी दिन 12 बजे तो पहला पहला जिथे कितने भी पॉसिबल है अपने पिंड अपने शहर च अपने कस्बे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के उत्ते सारे देश के नरेंद्र मोदी सरकार के पुतले बना के फूके जा जो एक दुनिया भर तो आवाज आए भी हां साडा रोस है असी कह रहे हैं 6 महीने तो कह रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर से बैठ के साड़ी होंद के उत्ते हमला है साड़ी असल जिंदगी की लड़ाई है कि सरकार सुन नहीं रही जे नहीं सुनेगी फिर चंदी तो बाद एक्शन प्लान देगी हाल फिलहाल
26 मई का ऐलान किया। बहुत सारिया जगह के उत्ते लोगों नू संस्कार करने वास्ते जगह नहीं मिल रही, फिर लोग जिथे भी उन्होंने जगह मिलती है कित भी कोई पार्क आ कि कोई खाली जगह पई आ कि भी आ उ अपने परिवार के मैंबर दब रहे हैं, जोड़ा कि एक बहुत देखने तुम देखते दे हो तो बड़ा मन में दुख लगता। इस तरह के दृश्य भारत को शर्मसार कर रहे हैं। अभी भारत वाले लोग भारत को जो चला रहे हैं लोग गड्डिया से बैठे ने दावे वादे बड़े करते हैं भी कि देखो साडा मुल्क है असि मुल्क नूं बड़ी तरक्की ते लै गए हाँ, असी डिजिटल इंडिया जिहड़ा कह कह के दुनिया च डोली पिटी वी साडे वर्गा महान मुल्क कोई नहीं, सभ्यक मुल्क कोई नहीं है। असी ना जी देखो 2024 दे विच विश्व गुरु बन जाणा है। अपने मुल्क दे अंदर जिउंदे जी तां जो मिलना चाहीदा सी ओह तां मिल नहीं रिहा, मरन तों बाद मिट्टी भी खराब हो रही है। मतलब सैकड़े धीले इन्हां दे लोगों को लकड़ा खरीदने लिए पैसे नहीं है। अपने घर का कोई मैंबर चला गया उसका सत्कार करने वास्ते लकड़ा नहीं है, लकड़ा क्योंकि पैसे भी नहीं है। इस करके दरियावां च रुड़ के लाशां आई हैं ना, जिहड़े दरियावां च रुड़ के आ गए या रोड़ दिते गए उन्होंने बिहार वाले कहते साडे नहीं, यूपी वाले कहते साडे नहीं। भाई इंसान तो है ना, वो जे वो मरे ने उन्हों की मौत हुई है तो थोड़ी बद इंतजामी करके हुई, बहुते कोरोना ना नहीं मरे उन्होंने, बहुते जिन्होंने लोड़ वेले जो बीमार हो गए हॉस्पिटल नहीं मिले, हॉस्पिटल मिल गए तो ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन मिल गया तो वेंटीलेटर नहीं मिलया या किसी को वैक्सीन नहीं मिली, जो लोग है तो फिर जो दरियावान रुड़ के आए ने उस तो बिना 1200 लाशा जी वो दफन कर दिखा गई है। एक चीज मैं हमने देख रहा जरा जेबीसी मशीन होंगी है ना राही चक के हाथ ला के राजनीति बैठ जाए चक के उस खाई सुट के जेबीसी ने मिट्टी सुटी जाती, कोई धर्म कोई जात कोई इलाका जरा तो बचा नहीं है। पर जे लोग कह गए थे अभी बड़ी बड़ी पिछा थापड़ थापड़ के एक दूसरे दिए साधी सभ्यता यह है साजी संसार के आ तरीके है, तो तरीके भी उल्ट पुलट हो गए। जो मर के या रुड़ के आए दरियावान के किन्ने मुसलमान या किन्ने हिंदू आ किसी को नहीं पता, मौत ने उन्होंने धर्म भी एक कर दिता, इतने असं धर्म दिया वंडिया पा के बैठे। तो हालात मुल्क लंघ रहा है, जवाब दे कौन है, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेड़े है वो सूबे की मीटिंग वर्चुअल कर देंगे, दो चार गल् कर देंगे जीडिया उन्होंने गल् कर जरा दर्द है जी पीड़ है आम भारतीय बंदे की उसे तक अप्रोच भी नहीं है, उन्होंने भी नहीं है उन्होंने सारी सरकार की। कई बार मैं देखता हूं कि देखो उही व्यक्ति है जो दुनिया तो चले जाता, कोई पिंड का व्यक्ति कोई रिश्तेदार यार दोस्त कोई नहीं साथ दिंदा, लोग अपने परिवार दीयां लाशां अपने मोढ़ियां ते चुकी फिरदे ने। हैरानी होंदी है कि लाशां भी चुकी फिरदे आ, जे कोई बीमार है तो हॉस्पिटल भी कोई एंबूलेंस भी आ रही लाश लैंदे, एंबूलेंस भी आ रही वहंगियां बना बना के तीन तीन घंटे का पैदल जा जाके जिहड़े हस्पतालां च लोग पहुंच रहे हैं। सीन दिखाई दे रहे सारे देश के लिए नाले दिखाई दे रहा है कि मजदूर फिर तुर पे अपने घर। सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को कहता कि तुम लॉकडाउन ला लो, अभी इस करके कहना भी लॉकडाउन से साझे पे आ जी रुजगार का प्रबंध करो, जो वेले हो गए जिन्होंने रोजी रोटी मिलती वह प्रबंध करो, आपके सूबाई सरकार कर सूबाई सरकार जो कुछ कर रही वह भी पता है। लोग वेले आ मजदूर जोड़े आम नहीं है, वो अपने अपने वतनों में तुरे हुए हैं, तो गड्डी गड्डिया तुम तुम के जा रहे हैं, कोई बसा जा रहे हैं, कि कोई पैदल ही फिर तुर पे। पिछली बारी 4 करोड़ मजदूर जोड़ा सड़क से हम फिर उही हालत है, आ 17 साल फिर इदा लंघन वाला है। हर मामले के पिछे फेद है, हर मामले कोई तो मतलब गल कही जा सकती हो कि अभी सरकार की नुक्ताचीनी कर दी, पर सरकार ने कुछ तो इदा का किया हो जिसे तो अभी भी कह सकी भी हाँ भारत की सरकार ने कमाल करती जी। रवनीत बिट्टू हमेशा सुर्खियां च रहना चाहुंदा ते हुण योगी नूं की कहता उहने
ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਵੀ ਲੱਭ ਜਿਹੜੀ ਅੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇਈਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੋਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 70% ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 65-70% ਕੱਲਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਛੋੜ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੇਮ ਤੱਕ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੇਮ। ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਲੱਤ ਫਸਾਈ ਆ ਕੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਵਨੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਈਵਨ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਸੀਜਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੱਤ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਰਵਦੀਪ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਮਚਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਣੇ ਓਵਰਆਲ ਸੱਤ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹੁਣ ਗੋਆ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 185 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਬੰਬਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ 2 ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਸਿੰਧੂ ਦੁਰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਲਗਾਓਂ ਚ 2 ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੋਰਬੰਦਰ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਟ ਹੈ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰੁੜ ਗਏ, ਜਿਸ 410 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਦਸ਼ਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀ 410 ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੰਮਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਵੀਟ ਮਾਲ ਸਟੀਵਨ ਫਰਨੀਚਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਿਲ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਸਮੋਸਾ ਫੈਕਟਰੀ, ਮੋਰਗੇ ਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ, ਬ੍ਰਾਂਪਟਨ ਡਾਕ ਕਲੀਨਿੰਗ, ਅੱਬਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਪੀਜ਼ਾ ਡੀਪੂ, ਕਿੰਗ ਟੈਕ ਲੋਨੀ ਤੋਂ ਲਖਵੀਰ ਸਾਹੀ, JKN ਫਲੋਰਿੰਗ ਤੋਂ ਕਮਲ ਜੀ, ਚਾਂਦੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਲਾਡੀ ਜੀ, ਸਨੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ, ਸਕਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰੋਜ਼ ਕਮੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਦੇਵ ਸੋਲ, 457-744-4444, ਰਾਣੋ ਪਟਿਕ ਤੋਂ ਰਾਣੋ ਕੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲ, ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਲੇਹਲ, ਨਿਊਮਨੀ ਟੈਸ ਸੈਂਟਰ, ਸਟਾਰਲਿਨ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗੋਰਾ ਧਨਵਾ, ਟੀਮ ਦਸਾਂਝ, SNK ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਕਮਲ ਜੀ, ਕਿੰਗ ਟੋਇੰਗ ਕਿਚਨ ਪੂਜਾ ਹੱਟ ਤੋਂ ਯਤਨ ਜੀ, ਹਰਬੀ ਆਟੋ, ਰਾਮ ਪਵਾਰ ਜੀ, ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੇ ਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24,500 ਟੈਸਟ ਹੋਏ, 2170 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, 566 ਆਏ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 556 ਆਏ ਨੇ ਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ
अपने घर के बाहर कुछ लोग जिहड़े बाइक वगैरह चलाउंदे सी बच्चे उन्हां दे उपर इस लड़के ने अपनी कार चढ़ा दिती। स्पीडिंग काफ़ी सी कहा जा रहा है। एक 4 साल के बच्चे की इस विच मौत हुई है ते 10 साल का 10 साल की एक लड़की जिहड़ी हस्पताल दे विच है ते 2 व्यक्ति जिहड़े परिवार के मैंबर सन उन्हां नूं भी इस लड़के ने जख्मी किया। असीं जांदे जांदे इक्को बेनती करांगे, समर है कि अपनियां कारां दी स्पीड जिहड़ी है वह ध्यान रखो, अपने बच्चों नूं ज़्यादा कार ना दिओ। ये 16 साल का लड़का सी, अजे नवा लाइसेंस सी ते स्पीडिंग सी इस कार दी, इहने किन्ने एक परिवार का जगदा दीवा बुझा दिता है। तो तुसी स्पीडिंग ना करो, फिर तुहाडे कारां दे उत्ते नॉइजी मफलर जिहड़े पाए हुए ने वो तुसी नहीं गड्डी चला सकते, तुहानू वड्डी टिकट मिल सकती है, कार तुहाडी टो हो सकती है। कोई दिखाउण दा लोड़ नहीं किसी नूं कि मेरी कार किन्नी आवाज़ करती है। वाई यू डूइंग दिस, सेफ स्ट्रीट अपनी रखो, अपने छोटियां सड़कों के उत्ते प्लीज़ बिल्कुल भी स्पीडिंग ना करो, अपना ध्यान रखो, दूजियां ध्यान रखो। मैंने पूरी उम्मीद है कि अज का प्रोग्राम थानू पसंद आया होगा। पर उस तो बाद मेरे नाल कोई भी गलत करनी 416-419-7777-416-419-7777 तुहाडा साडा सारिआं दा रब रखा। खुश रहा करो, दूसरे ने खुश करने की कोशिश करया करो, कोशिश जरूर करया करो, पर काम बड़ा औखा। सत श्री अकाल जी। चढ़ते लेंदे पंजाब दी, रावी ते चनाब दी, बात पौंदा प्यार दी, ए है सांझा पंजाब।